हेलो एवरीवन। तो हम लोग मार्च टू मे का मैगज़ीन कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी में कई सारा पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड को भी निपटा लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को निपटाएंगे, पूरा यहाँ पर कवर करेंगे एक ही वीडियो में। फिर इसके बाद एक एक करके एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सभी को भी एक एक वीडियो में करके करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको यहाँ तक मैं पहुँचा दूँ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट तक, ताकि कल हम लोग फिर कोविड रिलेटेड न्यूज़ से शुरू करें। ठीक है, और जो लोग अगस्त का मैपिंग मांग रहे हैं, प्लीज़ आप लोग आज या कल तक वेट कर लीजिए। ठीक है, वो एक वीडियो बनेगा, मेरे पास नोट्स हो गए हुए हैं पर उसको मुझे अरेंज करके करना है और मैपिंग वगैरह थोड़ा बहुत देखना है, तभी मैं आपको उसको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए प्लीज़ वेट कर लीजिए, पहले वीडियोस निपटाऊंगा उसके बाद ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो इसके लिए अगर हो सके तो इंतज़ार कर लीजिएगा। तो चलिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को शुरू करते हैं। अब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को शुरू करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट स्कीम्स का जो पहला 13-14 वीडियोज़ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को मैंने कवर किया हुआ है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें आपको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी समझ में आ जाएंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि पार्ट है यूनियन गवर्नमेंट का, और इससे रिलेटेड स्कीम्स जो है वो ऑब्वियसली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी उठा के देखना, आपको मैक्सिमम चीज़ें, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड हो या फिर आपको खारिफ से रिलेटेड हो या फिर जो भी चीज़ें हों, उन सब चीज़ों से मैं देखिएगा तो स्कीम्स जो है वो एग्रीकल्चर से बहुत सारी आई हुई हैं। तो पहले 14 वीडियोस तो ज़रूर देख लीजिए अगर हो सके तो। ठीक है, काफ़ी डिटेल में है और वहाँ आप मैंने सारे स्कीम्स को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। तो अब हम लोग वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमें सबसे पहला जो टॉपिक देखना है वह है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, फिर मैं बताऊँगा कि यह कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट यह है कि सेंटर ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यह माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का रिवाइज किया है। ठीक है, और यह रिवीजन इसलिए किया है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण यहाँ पे ट्राइबल गैदरर्स के ऊपर में काफ़ी सारा यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पूरे इकोनॉमी की हालत तो ख़राब हो गई है, तो इसमें ट्राइबल्स के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और इस कारण से सरकार ने यह रियलाइज़ किया कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उसको ट्वीक करने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो जो भी ट्राइबल गैदरर्स हैं उनको मच नीडेड सपोर्ट जो चाहिए वो मिल पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में और भी एक्स्ट्रा न्यूज़ देखते हैं कि आखिर इसमें डिटेलिंग क्या है। और मैं आपको फिर से वही बोलूँगा कि इकोनॉमी के पोर्शन से यहाँ पे जो दिया हुआ है चीज़ें विजन के डॉक्यूमेंट में, मैक्सिमम चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन के तरीके से बताई हुई हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हमें मेंस के टाइम पे पड़ेगी, तो अभी प्रीलिम्स पे ही फोकस करके हम लोग इसीलिए स्टिक करेंगे कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसी को देखें। तो यहाँ एक्स्ट्रा न्यूज़ में यही बताया गया है कि यह जो MSP है, यह जो इंक्रीज़ है, यह बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जो इंक्रीज़ है यह 49 प्रोडक्ट्स में किया गया है, और जो कि कलेक्ट किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा फ्रॉम दी फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे यह जो पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत लिया गया है। अब आप लोगों को मैंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और पहला लेक्चर इसी के ऊपर में था। ठीक है, मुश्किल से 14 मिनट का लेक्चर है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको एक एक डिफरेंस रटा हुआ होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ बाहर जाके वो वीडियो देखिए, और अगर आपको पता है और आप ध्यान में है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे दीजिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि अरे मैं क्यों ही बता रहा हूं, पर इसमें कुछ एक चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है, खासकर एग्जांपल्स अगर आपको ध्यान में हो तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यह जो स्टेप लिया गया है बेसिकली MSP को बढ़ाने का, यह स्टेप लिया गया है एक स्कीम के अंतर्गत जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और यह स्कीम का नाम बड़ा सा है, तो यह है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP दैट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इस स्कीम को आपको ध्यान में रखना होगा, और इसी स्कीम के अंतर्गत चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, तो अब आती है बात कि कौन है इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो ये पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इस स्कीम के नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मॉडल यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नोडल एजेंसी है ट्राइफेड, ट्राइफेड इज़ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ट्राइफेड के द्वारा ही यह बेसिकली जो यहाँ पे MSP को इंक्रीज़ करने की बात है, इसका रिकमेंडेशन ट्राइफेड के द्वारा ही दिया गया था। तो ट्राइफेड ने रिकमेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहाँ पे इसको इंक्रीज करने की बात कही, जो कि फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल मिल गया।
ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी चीज़ से रिलेटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, इसको हर बारी 3 साल में एक बारी रिवाइज किया जाता है, और यह जो रिविजन है यह प्राइसिंग सेल के द्वारा किया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्चुअल है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे ट्राइफेड के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइफेड है क्या? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेंस में काम आता है, मेंस में अगर आप फुल फॉर्म लिखते हैं तो फायदा मिलता है। तो अब देखते हैं ट्राइफेड आखिर है क्या। तो ट्राइफेड एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका एम क्या है? तो इसका एम है ट्राइबल पीपल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना। ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो जो भी वो प्रोडक्ट्स एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उसको अच्छे तरीके से मार्केट करके। ठीक है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल उनके द्वारा बास्केट्स बनाए जाते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे वाइल्ड फ्रूट्स नट्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर सही तरीके से मार्केट किया जाए तो ट्राइबल पीपल को अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मिलता है, और उस पैसे से वो ऑब्वियसली अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ट्राइफेड जो है ये बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। ट्राइफेड का एग्जिस्टेंस जो है 1987 में हुआ था, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा अगर हो सके तो। अब हम लोग ने देख लिया कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, कौन से स्कीम के अंतर्गत ये किया जा रहा है, ये सब चीज़ें तो देख ली, और मिनिस्ट्री कौन सी है इन्वॉल्व ये देख लिया। अब हमें ये नहीं पता है अभी तक कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, तो अब इसको देखते हैं। अब ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या बेसिकली इसका डेफिनेशन जो है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसको 1927 वाला बोलते हैं, बाद में इसका अमेंडमेंट में हुआ था, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे यह जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हम लोग छोटा सा बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा सा नाम भी है, तो उस नाम को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्या है? तो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, इसी के अंतर्गत इसका डेफिनेशन दिया गया हुआ है, और 1927 वाला भी फॉरेस्ट राइट एक्ट एग्जिस्ट करता था, उसी का यहां पे आप कह सकते हो कि ये अमेंडमेंट टाइप का ही है। ठीक है, इसी के ऊपर में इसको एक तरीके से बनाया गया हुआ है। तो अब आती है बात की डेफिनेशन, तो यहां पे मेंशन किया हुआ है, तो आखिर डेफिनेशन है क्या? तो फॉरेस्ट जो यहां पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या फिर जो आप बोल सकते हो 2006 वाला है, उसमें मेंशन किया गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट इज MFP, इसके अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ऑफ प्लांट ओरिजिन। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, फॉरेस्ट से हमें ट्रीज मिलती हैं, ट्रीज से जो भी यहां पे ट्रीज, चाहे वो खड़ी ट्रीज हो या फिर गिरी हुई ट्रीज हो, उसको टिम्बर में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि जो भी प्लांट ओरिजिन की हो पर टिम्बर ना हो। ठीक है, तो इसी को MFP बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो इसके अंतर्गत बैम्बू, केन्स, फॉडर, लीव्स, गम्स, वैक्सेस, डाइज, रेजिन्स एंड अलग तरीके के जितने भी फूड आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, हनी, लैक, तशर, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बैम्बू जो है ये टिम्बर में काउंट नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा एड ऑन भी बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़। तो ये याद रखिएगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सिर्फ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आते हैं प्लांट ओरिजिन के। ठीक है, नॉन टिम्बर आते हैं, याद रखिएगा, टिम्बर नहीं आते हैं। और टिम्बर का मैंने आपको बता दिया, टिम्बर खरा पेड़ होता है या फिर गिरा हुआ कोई अगर पेड़ हो तो उसको टिम्बर में काउंट किया जाता है, जिसको फिर आगे चल के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में घर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है ये क्यों किया जा रहा है, तो ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्यों किया जा रहा है नॉन टिम्बर और टिम्बर के बीच में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, और इसी से रिलेटेड हम लोग एड ऑन भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, तो इसके अंतर्गत बैम्बू और केन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया हुआ है। और बैम्बू और केन को इंक्लूड करने का क्या मतलब हुआ? तो यह बेसिकली नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तरह इसको माना जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो क्या रहा है? तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का अगर आप देखिएगा तो उसमें बैम्बू को एज अ ट्री कंसिडर किया गया हुआ है। अब बैम्बू को ट्री कंसिडर करने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, पर आपको बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ कि बैम्बू अगर ट्री कंसिडर हो जाता है तो इसके ऊपर जो राइट है इसको गिराने का, इसको यूज़ करने का, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और गवर्नमेंट फिर इसको इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री को बांट सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मेंशन की गई हुई थी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत, और बैम्बू को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया हुआ था एज अ ट्री। ठीक है, फिर 2017 में अमेंडमेंट आया था, और अमेंडमेंट में बताया गया कि बैम्बू को यहाँ पे इन्होंने ट्री कंसिडर नहीं किया था, और इन्होंने वापस से इसको ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया था। ठीक है, टिम्बर से इसको नॉन टिम्बर बना दिया गया था। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है? तो फायदा अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसका फायदा ये होता
जाता है कि यह जो भी प्रोड्यूस है, अगर बैम्बू को यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है कि यह ट्री नहीं है, तो यहाँ पे इसका फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे ट्राइबल्स हैं जो कि मतलब बैम्बूस वगैरह को कल्टिवेट करते हैं और उसको गिरा के इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोड्यूसर्स में, तो उनके पास इसकी अथॉरिटी आ जाएगी। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर, इस गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 हो या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1927 के अंतर्गत हो, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे MFP है उसकी जो ओनरशिप है वह बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास चली जाती है। तो यहाँ पे अगर बैम्बू को यहाँ पे नॉन टिम्बर के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है तो इसका बेनिफिट यही होगा कि यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स होंगे उनके पास इसकी अथॉरिटी आ जाएगी, ओनरशिप आ जाएगी कि वह बैम्बू को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं आपको थोड़ा इससे एड ऑन डिटेल्स दे देता हूँ। अब पहले हम लोग यहाँ पे हिंदू का ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं। यह देख सकते हैं दिसंबर 27 2017 का आर्टिकल है और इसमें मेंशन किया हुआ है बैम्बू नॉट अ ट्री, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक बिल को पास किया अमेंडिंग दी फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब इसके अंतर्गत क्या इन्होंने बताया है, इस बिल में परमिट किया इन्होंने कि जो भी बैम्बू है अगर वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है तो इसका फेलिंग और ट्रांजिट जो है वो अलाउड रहेगा। ठीक है, यह अलाउड है अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड पे इसको एक तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो तब इसको यहाँ पे मतलब इसका फेलिंग ट्रांजिट अलाउड रहेगा, पर अगर कोई भी बैम्बू जो है वो फॉरेस्ट लैंड पे ग्रो किया जा रहा है तो उसको अभी भी ट्री के तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब मैं आपको जब नेक्स्ट आर्टिकल दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तब तक के लिए आप इतना पॉइंट समझ के रखिए। तो इसके बाद जो मैं ऐड ऑन आपको दे रहा हूँ यह बेसिकली डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है और इतना बेहतरीन आर्टिकल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने फ्री टाइम पे भी इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको पूरी चीज़ें तो ऑब्वियसली यहाँ पे बता दूंगा, पर यहाँ जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इस बैम्बू और ट्री और अ ग्रास इसमें मेंशन किया हुआ है। तो यह जो डेफिनेशन है यह इसलिए कॉन्टेक्स्ट किया जा रहा है क्योंकि इसका इमेंस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। यह जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है यह बेसिकली दोनों के लिए है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे वो नॉर्मल जो भी फॉरेस्ट गैदरर्स हैं उनके लिए हो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके लिए हो। तो यहां पे वही बात आ जाती है कि अगर बैंबू को यहां पे एज अ ट्री या फिर टिम्बर कंसीडर किया जाता है, दिस मींस कि यह जो ट्री है या फिर यह जो बैंबू है यह बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिलोंग करने लगेगा और यहां पे उनको फायदा यह होगा कि वह यह जो टिम्बर है दैट इज बैंबू है इसको वो पेपर या पल्प इंडस्ट्री को थ्रो अवे रेट्स पर बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके अथॉरिटी में आ गया और वो इसको इस्तेमाल करके किसी भी इंडस्ट्री को आराम से इसको बेच सकते हैं। अब अगर यह जो बैंबू है इसको अगर ग्रास कंसीडर किया जाता है देन इसका क्लासिफिकेशन जो है यह माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत हो जाएगा। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत होने का मतलब हो गया कि इसका जो भी यहाँ पे बैम्बू को काट कर सेल करना है या फिर यहाँ पे इसमें वैल्यू एडिशन करना है तो ये सब जो यहाँ पे इसकी जो अथॉरिटी आ जाएगी या बेसिकली वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर में आ जाएगी। और यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या फिर जो भी ट्राइबल्स हैं वह बैम्बू का इस्तेमाल करके फर्नीचर या फिर बास्केट बना सकते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो उनको फायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसको बताया जाता है कि यह फॉरेस्ट मैनेजर्स का बाइबल की तरह सर्व करता है और इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आखिर पहली चीज़ होता क्या है, तो यही चीज़ बताया गया हुआ है कि कुछ भी अगर यहाँ पे फॉरेस्ट में मिल रहा हो या फॉरेस्ट से लाया गया हो उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे काउंट करते हैं। और इसके अंतर्गत ट्रीज़, लीव्स, प्लांट्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं दैट आर नॉट ट्रीज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रीज़ में यहाँ पे इसके अंतर्गत पाम और बैम्बू को भी इंक्लूड किया हुआ है और टिम्बर का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि टिम्बर होता है कोई भी ट्री चाहे वो गिरा हुआ हो या गिराया गया हुआ हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब समय दर समय अगर देखा जाए तो इसी दैट इज़ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को ही इंटरप्रेट किया गया और इससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस को इस्तेमाल करके बैम्बू को एज अ ट्री यहाँ पे कंसीडर किया गया, एज अ टिम्बर कंसीडर किया गया और इसको माना गया कि यह जो है यह बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और यही लीगेसी धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती चली गई, फॉरेस्ट मैनेजर्स के बीच में पास ऑन होती चली गई और यहाँ पे यह जो ग्रास लाइक ट्री है इसको यहाँ पे इन्होंने एज अ टिम्बर ही कंसीडर किया। ठीक है, और इसको कभी इन्होंने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत नहीं माना। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ कि माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि टिम्बर ना हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इस प्रोड्यूस के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे तेंदू लीव्स हो गया जिसको बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लैक रेजिन, टैमरिंड, ये सब चीज़ें अगर देखेगा तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत आ जाता है। और यह मेन सोर्स है उन सारे लोगों के लिए जो कि कंट्री के फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे होते हैं या उसके आसपास रह रहे होते हैं, तो उनके द्वारा ही यह जो इकोलॉजिकल वेल्थ है हमारे नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया हुआ है इसको वो इस्तेमाल
करके अपना इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर देखिएगा तो ट्राइबल जो है वो मैक्सिमम इस पर्टिकुलर इन सारे एरियाज में रहने वाले पुअर की तरह काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर इनसे ये सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं और अगर देखा जाए कि कुछ एक प्रोड्यूस जो है वो उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, तो उस केस में इनका ही नुकसान होगा, जो भी ट्राइबल्स हैं उनका ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब वापस से अपने हिंदू वाले आर्टिकल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको वापस से बोलना चाहूँगा कि ये याद रखिएगा कि जो भी बैम्बू है अगर उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहने वाले ट्राइबल्स हैं और वो फॉरेस्ट एरिया के आसपास में वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस बैम्बू को यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में काउंट किया जाएगा और ऑब्वियसली उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। पर यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड में ग्रो होने वाला जो बैम्बू है, ये ऑब्वियसली इसको अभी भी ट्री के तौर पर क्लासीफाई किया गया हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पे सरकार के द्वारा भी बोला गया था कि यह बिल जो है इसको इसीलिए लाया गया था, यह अमेंडमेंट इसीलिए किया गया था जिससे जो भी ट्राइबल्स की अर्निंग है उसको यहां पे सपोर्ट मिले और जो भी ड्वेलर्स हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास रह रहे हैं उनको उनकी अर्निंग में सपोर्ट मिल सके। तो मेरे ख्याल से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करते हैं, इतना ही आप अगर ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये दो एक्ट हैं ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1927 जिसमें हम बाद में ऑब्वियसली देख सकते हैं अमेंडमेंट किया गया है, तो इसके अंतर्गत बनाया गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ों का जो ओनरशिप है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास रहेगा, ठीक है। और बैम्बू और भी इंक्लूडेड है और केन भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ सरकार के द्वारा जो MSP को रिवाइज किया गया, तो जिस स्कीम के अंतर्गत किया गया उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो उसका बड़ा सा नाम फिर से पढ़ते हैं, मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MSP, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ MSP के इंक्रीज करने की बात नहीं कही जा रही है, रादर यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो भी MFP है उसका यहाँ पे वैल्यू चेन भी वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी MFP है उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जा सके। तो यह जो स्कीम है इसका लॉन्च जो है ये 2014 में किया गया था, और इसका काम क्या है, तो यह स्कीम को इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि एक सोशल सेफ्टी नेट जो है ये प्रोवाइड किया जा सके MFP गैदरर्स को, मतलब दैट इज जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स हैं उनको यहां पे एक अच्छा खासा सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जा सके जिससे उनकी लाइवलीहुड में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आए। और यह लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, तो जो भी वो MFP जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका उनको फेयर प्राइस मिले और साथ के साथ वो अच्छे तरीके से एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कर पाए MFP का। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग का मतलब है कि एक बार अगर उन्होंने हार्वेस्ट किया तो वो जो हार्वेस्ट है वो आगे चल के भी उनके पास अवेलेबल रहे, ऐसा ना हो कि एक बार ही उन्होंने हार्वेस्ट किया और फिर आगे चल के उनको वो चीज़ अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो फ्यूचर को कंसीडर करके, तो ध्यान में रखकर ही यहाँ पे जो भी हार्वेस्टिंग है वो की जाएगी और इसी चीज़ को सस्टेनेबल बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो भी ट्राइबल्स जो हैं वो जो भी MFP को कलेक्ट करेंगे उसको वो विलेज मार्केट प्लेसेस में उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही है जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जिसके बारे में सभी को पता होगा कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो MSP के नीचे चला जाता है तो उस केस में जो भी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वह बेसिकली इस प्रोड्यूस को जो भी MFP गैदरर्स हैं उनसे यहाँ पे प्रोक्योर करती है, और यह प्रोक्योर करने का जो प्राइस होता है वह बेसिकली MSP होता है। तो इस केस में अगर मार्केट प्राइस कम भी हो जाए तो भी यहाँ पे एक MSP जो है वो सेट किया हुआ रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके पे वह जो भी मतलब यहाँ पे MFP गैदरर्स हैं वह सामान को एक तरीके से बेच सकते हैं, तो उनको ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि MSP जो है वो मार्केट प्राइस के आसपास ही रहता है या फिर उससे ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस स्कीम का जो इंप्लीमेंट करने वाली नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, पहली चीज़। और नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यह ट्राइफेड है, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फुल फॉर्म में बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आपको फुल फॉर्म जो है वो मेंस में इस्तेमाल करना है और कभी कभी प्रीलिम्स में भी फुल फॉर्म जो है वो पूछ लेते हैं और यहाँ पे मार्केटिंग की जगह पे कुछ और डाल देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा, इरिटेट मत होइएगा मैं बार बार अगर बोलता हूँ कोई चीज़ को, तो क्योंकि आपके याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, मुझे तो याद रहेगा ही पर आपको भी तो याद रहना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसका कैलकुलेशन आखिर कैसे होता है, ठीक है। तो MSP का जो कैलकुलेशन है यह बेसिकली फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक टर्म्स है उसके ऊपर बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट फिक्स करती है MSP को, पर रिकमेंडेशन कौन देता है, तो रिकमेंडेशन वाली जो देने वाली जो एजेंसी है वह है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP इसको बोलते हैं, ठीक है। फिक्स तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है पर रिकमेंडेशन CACP के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस है उसका यहाँ पे MSP जो है ये सेट किया जाता है
है CACP के द्वारा। अब आप मुझे बताइए कि शुगर केन का किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ वापस से पढ़ लेते हैं कि जो CACP है, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है और उसके बाद ही यह MSP को रिकमेंड करने का काम करता है गवर्नमेंट को। तो यह जो भी फैक्टर्स कंसीडर करता है उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे CACP के द्वारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ों को यह एक तरीके से कंसीडर करता है। इसके अलावा डिमांड सिचुएशन फॉर कमोडिटी को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, मार्केट प्राइस ट्रेंड्स देखा जाता है कि डोमेस्टिक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में मार्केट प्राइस ट्रेंड क्या है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे क्रॉप्स के साथ में इसकी पैरिटी भी चेक की जाती है, जैसे अगर राइस का यहाँ पे MSP वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वीट के साथ उसका पैरिटी चेक किया जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगी कंज्यूमर्स के ऊपर में, मतलब इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है MSP को अगर बढ़ाया घटाया जाता है, तो इसको भी कंसिडर किया जाता है। बस इतना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, इसके अलावा यहाँ पे एनवायरमेंट के ऊपर में भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज सॉयल एंड वाटर का यूज़ के ऊपर में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी टर्म्स है ट्रेड का जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बीच में है, उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पे CACP जो है या MSP को रिकमेंड करने का काम करती है। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं राइस की MSP अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में फार्मर्स जो हैं वो राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, और हम लोग जानते हैं कि राइस का प्रोडक्शन में बहुत सारा पानी लगता है, ठीक है। तो उस कारण से क्या होगा, अगर हरियाणा के एरिया में यहाँ पे अगर राइस का MSP बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो फार्मर्स उस एरिया में राइस का ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा कि वहाँ की सॉइल के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा और वाटर बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिगेशन में इस्तेमाल होने लगेगा। अब हरियाणा का एरिया आप ऑलरेडी जानते हैं कि वाटर डिप्लीटेड है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर एकदम नीचे को जा चुका है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हालत और ज़्यादा दयनीय हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं CACP जो है इसलिए एनवायरमेंट को भी कंसर्न रखता है, ध्यान में रखता है, और उसके बेसिस पर ही फिर वो रिकमेंड करने का काम करता है MSP को, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2018-19 का अगर आप बजट देखिएगा, तो इस बजट अनाउंसमेंट में यहाँ पे सरकार के द्वारा बोला गया कि यह जो MSP है इसको 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्रॉप्स के ऊपर में रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही है कि यह एक प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है फार्मर्स को, उसके ऊपर में दैट इज़ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.5 से, और उसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद 1.5 के बाद जो अमाउंट आता है उसी को MSP के तौर पर सेट किया जाएगा, जिससे यहां पे जो भी फार्मर्स हैं उनको अच्छा खासा यहां पे एक तरीके से पैसा मिले और इनकम जनरेट हो उनके लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का इंसेंटिव भी आप इसको कह सकते हो। अब लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने WTO और वो सब चीज़ें पढ़ी थी, ग्रीन बॉक्स, एमर बॉक्स, तो आप देख सकते हैं कि MSP जो है ये किस तरह के बॉक्स में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला टॉपिक है ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम को देखते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, दैट इज़ REPF को सेटअप करने का सोचा है, और यह जो REPF है यह बेसिकली APEDA के अंतर्गत आएगा। अब APEDA क्या है, तो APEDA मैंने आपको जब मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया था, तो उस टाइम पे APEDA के बारे में मैंने आपको समझाया था। और ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि APEDA जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो APEDA किसके अंतर्गत आता है, तो ये आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं बाद में आपको ऑब्वियसली बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम को सेटअप किया जाएगा अंडर द एगिस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसके अंतर्गत, दैट इज APEDA के अंतर्गत इसको किया जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम के बारे में पढ़ना होगा, और यह जो टॉपिक है ये मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस में डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनको बिल्कुल ध्यान में आएगा। अभी मैं आपको जब डायरेक्ट सीडिंग जो तरीका है, डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक है, जब मैं वो समझाऊंगा ना, तो आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा कि मैंने आपको कब पढ़ाया था, ठीक है। तो यह जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है इसका पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि यह डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर और उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ राइस को इंक्रीज़ करने का काम करेगा टू द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे जो लिखा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे वही है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है कि यह आइडेंटिफाई करेगा जो भी पार्टिकुलर्स हैं उसको डॉक्यूमेंट करेगा, और साथ के साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑफ राइस से रिलेटेड हैं उनको रीच आउट करेगा, जिससे यहाँ पे जो भी इंटायर प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट ऑफ राइस, जो भी इंटायर प्रोडक्शन है राइस का, या फिर जो भी सप्लाई
किचन है एक्सपोर्ट ऑफ राइस का, उसको उसके ऊपर में यहाँ पे काम किया जा सके, और काम करने के बाद यहाँ पे इन दैट इज़ राइस का एक्सपोर्ट को यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे ग्लोबल मार्केट में इसका रीच जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, पर जितना मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसका काम वही है कि ऐसे एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखेगा जो कि एक्सपोर्ट ऑफ राइस को इंक्रीज़ करने में मदद करे ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे यहाँ पे RDPF के द्वारा, तो यह मॉनिटर करने का काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट्स हैं राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे नेसेसरी पॉलिसी मेजर्स जो है ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करने का काम करेगा, जिससे ऑब्वियसली फाइनली क्या हो तो राइस प्रोडक्शन जो है वो राइस प्रोडक्शन तो हो ही अच्छा, साथ के साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट उसका ज़्यादा अच्छा हो ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, तो मेन फोकस यहाँ पे इसका जो है वो एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला काम तो एग्रीकल्चर में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हो गया बस यहाँ पे एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से होना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पे आरईपीएफ को एक तरीके से लाया जा रहा है जिससे इसका यह जो ऑब्जेक्टिव है ये एक तरीके से फुलफिल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा REPF और क्या करने वाला है, तो यहाँ पे जो भी राइस प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, या इसके अलावा जो भी यहाँ पे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की बात करेगा, साथ के साथ इनके प्रॉब्लम्स को समझेगा, और इसके अलावा जो भी यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करेगा, फैसिलिटेट करने का काम करेगा, तो यह एक फोरम के तरह भी काम करेगा, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यह जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है REPF है, इसमें आखिर इस फोरम में कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि राइस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, एक्सपोर्टर्स, ऑफिशियल्स फ्रॉम अपीडा, कॉमर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डायरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा ऐसा ही नहीं है, यह जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यह बेसिकली मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट से आएंगे। अब यह भी आपको पता होना चाहिए कि राइस का प्रोडक्शन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होता है, तो देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो ये सारे स्टेट में चूंकि राइस काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो यहां के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं या ऑब्वियसली इसके फोरम में ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करके फिर ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा राइस प्रोडक्शन इन इंडिया को देख लेते हैं कि इंडिया की क्या हालत है। तो इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पर इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भले सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, और यह कब से हुआ, तो 2011 में जब यहाँ पे नॉन बासमती राइस का शिपमेंट जो है अलाउ कर दिया गया, तब से इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर उभर गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अभी देखिए ये तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमें पता चल गया नंबर वन कौन है, पर यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, तो नंबर वन कौन है, सबसे पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइए। ठीक है, अब इसके अलावा बताया जा रहा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो मेजर शेयर है राइस का उसका कल्टीवेशन जो है ये खरीफ सीजन में होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, खरीफ सीजन मतलब विंटर सीजन में इसका होता है इसका प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे रबी सीजन दैट इज समर सीजन में इसका जो प्रोडक्शन है यह काफ़ी कम अमाउंट में होता है। ठीक है, और यह जो रबी सीजन है बेसिकली अश्योर्ड इरीगेशन के साथ ही हो पाता है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमारी कंट्री में जो मेजर राइस का जो कल्टीवेशन है वो खरीफ सीजन में होता है। ठीक है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2010-11 के कंपैरिजन में देखिएगा तो 2019-20 का जो डेटा है उसके तौर पे बताया जा रहा है कि इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है यह 22% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और यह हमें कैसे पता चला है, तो सेकंड एडवांस एस्टीमेट्स के थ्रू हमें डेटा यह पता चल रहा है, 22% का इंक्रीज है। ठीक है, 10 सालों में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज मिला है, और इस कारण से ही हमारी गवर्नमेंट जो है एक तरीके से फोकस्ड है कि एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए जिससे फ़ायदा उठाया जा सके हम लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने राइस प्रोडक्शन से सारी चीज़ें जो डिटेल्स है वो सब चीज़ें देख ली। अब मैं आपको अपीडा के बारे में बताता हूँ। अपीडा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स के सीरीज़ में बताया हुआ है, पर यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया हुआ है तो चलिए यहीं से ऐड ऑन देख लेते हैं। तो अपीडा का एस्टैब्लिशमेंट जो है यह बेसिकली एक एक्ट के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो यह इस कारण से यह एक स्टैट्यूटरी हो गई बॉडी, और अब देखते हैं इस एक्ट का आखिर नाम क्या है। तो यह एक्ट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। तो बेसिकली जो अपीडा का फुल फॉर्म है उसी के आगे एक्ट लगा दिया है, पर इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है ये देख लीजिएगा, इस पर्टिकुलर एक्ट दैट इज 1985 वाले एक्ट के अंतर्गत हुआ है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि नाम में भले एग्रीकल्चर है पर यहाँ पे यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये एक अच्छा खासा ट्रैप आपके लिए UPSC सेट कर सकता है इस चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसका मैंडेट या
आखिर एम क्या है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप खुद से समझ सकते हैं इसका जब फुल फॉर्म अगर आप ध्यान में रखेंगे तो। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, साथ के साथ यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका डेवलपमेंट में मददगार ये साबित हो। ठीक है, तो कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लोरिकल्चर, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो इन सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट और इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपीडा के मैंडेट के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अब इसी अपीडा के अंतर्गत एक स्कीम है, दैट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, जो कि अपीडा के अंतर्गत ही आता है, अपीडा का ही है। तो इसका काम क्या है, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत बोला गया है कि अपीडा जो है यह बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे यह जो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा यह बेसिकली इसी स्कीम के, दैट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के सब कॉम्पोनेंट के अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये सब कॉम्पोनेंट कौन से हैं, तो मार्केट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस। ठीक है, तो इन सारे सब कॉम्पोनेंट्स के अंतर्गत ही फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा अपीडा के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं उनको। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इतने सारे तो प्रोडक्ट्स देखे जो कि अपीडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ ही जाते हैं, इसके अलावा अपीडा के ऊपर में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट की गई हुई है, तो वो क्या है, तो यहाँ पे जो भी शुगर का इंपोर्ट है या फिर उसका जो मॉनिटर करने का काम है वो भी यहाँ पे अपीडा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं वो पॉइंट जो हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस में समझाया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, दैट इज़ DSR के बारे में बात की जा रही है। जिन लोगों ने रेगुलरली फॉलो किया था उनको ये पॉइंट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो पंजाब एंड हरियाणा के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि COVID-19 पैंडेमिक के कारण यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर देखे जाने की बात कही जा रही थी। ठीक है, तो इस कारण से ही यहाँ पे बोला गया था कि इनके द्वारा, दैट इज़ इन दोनों स्टेट्स के द्वारा, पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा, चूंकि यहाँ पे लेबरर्स का शॉर्टेज है, इस कारण से वह जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ करते थे खरीफ सीजन में उसको यहां पे वो नहीं करेंगे। ठीक है, और इस कारण से ही उन्होंने मिलकर सोचा कि हम लोग अब यहां पे इनकरेज करेंगे ऑफ द अडॉप्शन ऑफ DSR, दैट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ठीक है, इन प्लेस ऑफ कन्वेंशन ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, नॉर्मली यहां पे अगर लेबरर्स यहां पे अगर रहते हैं तो उनके द्वारा यहां पे कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, पर यहां पे चूंकि लेबरर्स एक तरीके से अवेलेबल नहीं है तो इस कारण से इन्होंने सोचा कि अब हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करेंगे। अब यहां पे हमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में पता होना चाहिए और कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अब समझते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में आखिर बेसिकली होता क्या है। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में यहाँ पे राइस क्रॉप का जो एस्टैब्लिशमेंट है यह बेसिकली सीड से हो जाता है और इसको फील्ड में डायरेक्टली लगा दिया जाता है। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली जो प्लांटेशन हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग फील्ड में सीड्स को लगाते हैं और उसके बाद उसी से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कहा जाता है। पर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि राइस का डायरेक्ट सीडिंग के बारे में, तो देखिए नॉर्मली राइस का जो यहाँ पे उपजाऊ होता है या फिर उपज होता है यह बेसिकली इस तरीके से नहीं होता है, डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू नहीं होता है, इसको इसमें जो है ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू होता है। और इसका तरीका क्या होता है कि पहले राइस के जो भी यहाँ पे सीड्स होते हैं उसको नर्सरी में उगाया जाता है और नर्सरी में उगाने के बाद जब ये बड़े हो जाते हैं, एक यंग प्लांट की तरह बन जाते हैं, तब इसको फिर उस नर्सरी से ट्रांसपोर्ट करके मेन फील्ड में लाया जाता है और मेन फील्ड में पानी को इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे एक एक करके इसको मतलब रोपा जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक। ठीक है, पर यहाँ पे DSR में क्या हो रहा है, तो DSR में यहाँ पे डायरेक्टली सीड्स को ही फील्ड में लगा दिया जा रहा है और फील्ड से फिर वहां से वो निकलेंगे, जो भी राइस के पौधे हैं वो निकलते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पे इन्होंने आगे चल के एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में क्या होता है कि फार्मर्स जो है वो नर्सरी को प्रिपेयर करते हैं और नर्सरी को प्रिपेयर करने के बाद यहां पे पैडी सीड्स को पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं और उसको यंग प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। यंग प्लांट में कन्वर्ट जब होता है तो इन्हीं सारे सीडलिंग्स को वो क्या करते हैं, अपरूट करते हैं। अपरूट करने के बाद इसको 25 से 35 दिन बाद इसको मेन फील्ड में जाकर स्टैंडिंग वाटर के अंतर्गत इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, तो इससे फायदा होता है कि पहली चीज तो यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड मिलती है सब एक, चूंकि यहाँ नर्सरी में उगाया रहता है ना, तो एक बारी वहां पे जाके जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो एक लेंथ का सारा प्लांट मिल जाता है। जो लोग गांव में गए होंगे और जिन्होंने देखा होगा इसको रोपान करते हुए, तो उनको मेरे ख्याल से यहां पे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, और तो यहां पे पहली चीज तो यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड मिल जाता है और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो भी इमर्जिंग वीड्स होते हैं उससे यहाँ पे फायदा मिल जाता है। कैसे, तो देखिए जो भी वीड्स हैं वो बेसिकली वहाँ पे जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तब वो उगना स्टार्ट करेंगे, पर यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं हमारे वो यंग प्लांट्स तो बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी बड़े हुए हैं तो यहाँ पे फायदा क्या मिलता है कि वीड से वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे।
तो इस कारण से वीड काउंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए ट्रांसप्लांटिंग वाला जो मेथड है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। अब यहाँ पे DSR में क्या होता है, तो DSR में बेसिकली यहाँ पे वाटर की जगह पे रियल केमिकल हर्बिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टैंडिंग वाटर बेसिकली हर्बिसाइड की तरह काम करता था और यहाँ पे जो भी वीड का ग्रोथ है वो उसको एक तरीके से प्रिवेंट करने का काम करता था। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ रहा था ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में, पर यहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग में हमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यंग प्लांट्स नहीं रहेंगे, रादर यहाँ पे जैसे जैसे वीड्स वगैरह उगते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे जो राइस के प्लांट्स हैं वो भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आखिर वीड्स कैसे प्रिवेंट हो रहे थे ट्रांसप्लांटिंग में, तो चूंकि यहाँ पे सबमर्ज्ड स्टेज में रह रहा था जो भी प्लांट्स हैं, और प्लांट्स तो ऊपर रह रहे थे ना, यहाँ पे बड़े प्लांट्स हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, तो समर स्टेज में रहने के कारण उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता था वीड्स को, और इसलिए वीड्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते थे। तो ये भी एक रीज़न है कि ट्रांसप्लांटिंग जो किया जाता था वो समर्ज वाटर में किया जाता था। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, और यह एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेसिकली डायरेक्ट सीड यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात कही जा रही है, या फिर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की बात की जा रही है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होंगे, तो सबसे पहली चीज़ इरिगेशन वाटर का यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, यहाँ पे सबमर्ज स्टेट में रखना नहीं पड़ेगा और बहुत सारा पानी इस्तेमाल नहीं होगा, लेबर बच ही रहा है, ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट ही किया जा रहा है लेबर को बचाने के लिए, यहाँ पे एनर्जी भी बचेगी, टाइम भी बचेगी, और साथ के साथ यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन कम होगा, ठीक है। तो राइस फील्ड से हम लोग जानते हैं कि एक ग्रीन हाउस गैस निकलता है, और वो कौन सा गैस निकलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि साइंस में बहुत बेसिक चीज़ है, सभी को पता होता है। यही ये जो गैस है ये रूमिनेटिंग एनिमल्स के द्वारा जो जुगाली करते हैं जो भी एनिमल्स, ठीक है, वो मेरे ख्याल से आपने गाय और भैंस को देखा होगा वो मुंह चलाते रहते हैं, तो दैट इज जुगाली करना, तो उनके द्वारा भी उनके मुंह से भी यह सेम गैस निकलती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर वो कौन सी गैस है, और हंसी की बात है कि ये एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है UPSC के एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये भी आप मुझे बताइए। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस का यहाँ पे लिस्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यह बेसिकली क्या है, तो ये वीड इन्फेस्टेशन से ही रिलेटेड है सारे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे डिसएडवांटेज में आ जाएगी कि हाई वीड इन्फेस्टेशन होने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि यहां यंग प्लांट्स नहीं है, रादर यहां पे सीड्स से ही सारा कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा वीडी राइस के भी चांसेस हो सकते हैं कि इवोल्यूशन हो जाए। इसके अलावा सॉइल बॉर्न पैथोजन्स जो हैं जैसे नेमाटोड्स जो हैं उनका भी यहां पे इंक्रीज होगा, और वो हो सकता है कि जो भी यहां पे क्रॉप है क्रॉप ग्रोथ को इंपैक्ट कर दें। न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर होने के भी चांसेस हो जाते हैं क्योंकि नर्सरीज में इसको उगाया नहीं जा रहा, रादर यहां पे डायरेक्ट फील्ड में उगाया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि डायरेक्ट फील्ड में उगाया जा रहा है तो इस केस में यहाँ पे बर्ड्स और रैट्स के इंसिडेंसेस भी बढ़ जाते हैं। राइस ब्लास्ट के भी चांसेस हैं जो कि एक मतलब राइस डिजीज़ है आप कह सकते हो, और यहाँ पे ब्राउन लीफ स्पॉट्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं जो कि यहाँ भी ये भी एक राइस डिजीज़ है, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए, पर एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट टाइम पे DSR को इसलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि लेबर जो है उसकी कमी है COVID-19 पैंडेमिक के कारण, ठीक है, उस टाइम पे थी, इसलिए पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने यह सोचा था, ठीक है। तो दोनों जो टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर का ये फिनिश हो गया, अब हमें अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करना है। तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जितने भी आपको टॉपिक्स दिखेंगे ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने न्यूज़ एनालिसिस में कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को ध्यान आते जाएगा प्लीज़ आप लोग ऑब्वियसली खुश हो सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेंसस किया गया और इसमें यहाँ पे देखा गया कि जो भी एवरेज साइज है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का उसके साइज में यहाँ पे एक तरीके से डिक्रीज आया है एवरेज साइज में, और यह डिक्रीज कितना आया है, तो पहले 1970-71 में यह 2.8 हेक्टेयर्स हुआ करता था, अब यह जो एवरेज साइज होल्डिंग है यह बेसिकली 1.08 हेक्टेयर्स हो गया है 2015-16 में, ठीक है। तो यह एग्रीकल्चर सेंसस के द्वारा पता चला है, ठीक है। तो ये डेटा को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, मेंस के एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है यह कोट करना पड़े अगर एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग के ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। अब आती है बात कि यह जो एग्रीकल्चर सेंसस है यह किसके द्वारा किया गया है कैरी आउट, तो यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया गया है, और यह जो एग्रीकल्चर सेंसस है यह हर 5 साल में एक बार ही किया जाता है। अब इसमें कौन सा डेटा कलेक्ट होता है, तो जो भी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीकल्चर सेक्टर का उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। अब स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक में ऑपरेशन लैंड होल्डिंग आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो 5 साल में एक बार ही किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया जाता है, और अभी हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम पे जो सेंसस आया है उसके तौर पे बताया जा रहा है कि एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशन जो होल्डिंग्स है उसमें डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई बात, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम। अब ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने यहाँ पे एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, और यह स्कीम का ही नाम हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि बेसिकली ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, एक इंसेंटिव दिया जाता है फार्मर को कि जो भी वो लोन ले रहे हैं वो लोन में एक रियायत दी जाती है कुछ परसेंटेज का, तो उसी को इंटरेस्ट सबवेंशन बोला जाता है, ठीक है।
अब यह जो न्यू स्कीम है आखिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे जो भी डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, जिससे वह डेयरी एक्टिविटीज़ में और भी ज़्यादा इंगेज रहें, स्पेशली ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2020 एंड 2021। ठीक है, तो 2020-21 के पीरियड में यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को डेयरी सेक्टर में या डेयरी एक्टिविटीज़ में और भी ज़्यादा वो इंगेज हों और काम करें, इसके सपोर्ट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है यह लाया गया। अभी इस स्कीम में बताया गया कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है यह 2% पर एनम के आसपास दिया जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल इंसेंटिव जो है वो 2% पर एनम का भी दिया जाएगा। और यह किनको दिया जाएगा, तो यह इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा जो प्रॉम्प्ट और टाइमली रिपेमेंट करेंगे लोन का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब यह किसके ऊपर में इम्प्लीमेंट होगा या एप्लीकेबल होगा, तो यह उन सारे वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर में एप्लीकेबल होगा जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ली गई हुई है। और यह कौन से पीरियड में ली जानी होनी चाहिए, तो 2020-21 के पीरियड में ली जानी होनी चाहिए। ठीक है, और यह किनके द्वारा ली जा सकती हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह कोऑपरेटिव्स या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ली जानी होनी चाहिए, और स्पेशल पर्पस के लिए भी ली हो जानी चाहिए। तो यह क्या है, तो जो यहाँ पे मिल्क का कन्वर्जन है, अगर यहाँ पे कंजर्व्ड कमोडिटीज या फिर अदर मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, उसके लिए अगर लोन लिया जाता है, तभी यहाँ पे यह जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है यह काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कंडीशनलिटीज दी हुई हैं कि किस केस में किनके द्वारा यहाँ पे ली जाने पर यह जो स्कीम है यह लागू होगा, और किस काम के लिए लागू होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। और स्कीम जो चूंकि डेयरी सेक्टर के ऊपर में COVID-19 पैंडेमिक का काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है, तो इस कारण से आपको यह स्कीम भी पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये ई नाम टॉपिक मैंने आपको एज अ स्कीम करवाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। मैंने तो आपको बता ही दिया है कि आपको ये कवर करना ही है, वो जो स्कीम्स वाला सीरीज़ है उसमें पहले 14 लेक्चर तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यह जो है यहाँ पे ई नाम के अंतर्गत कुछ नए फीचर्स आए हैं, और ये नए फीचर्स भी मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ एनालिसिस में करवाया हुआ है। ठीक है, तो यह जो न्यू फीचर्स आए हैं इसको एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ई नाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ई नाम आखिर है क्या, तो यह एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, और यह ट्रेडिंग पोर्टल बेसिकली एक नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, जो भी APMCs मंडीज हैं एग्जिस्टिंग वाले उनको लिंक करने का काम करता है। अब यह लिंकिंग का फ़ायदा क्या होगा या फिर यह नेटवर्क का फ़ायदा क्या होगा, तो यह नेटवर्क का फ़ायदा यह है कि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर खरीद बिक्री ईजिली हो पाएगी। तो इसी के अंतर्गत ईनाम के अंतर्गत यहाँ पे फीचर्स बताए गए हुए हैं कि सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस रिमोट बिडिंग की जा सकती है, साथ के साथ यहाँ पे मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट भी किया जा सकता है। तो ईनाम का ये बेनिफिट आ जाता है। अब यहाँ पे जो लीड एजेंसी है जो कि इस ईनाम को इम्प्लीमेंट कौन कर रही है, तो यह है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जिसको SFAC बोला जाता है। अब इस टॉपिक यह सोच रहे होंगे कि अब मैं आपको स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के बारे में बताऊंगा, पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यह गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ में बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर कोई चीज़ बताई हुई है तो उसको वापस से रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको वही है, पहले जो 14 वीडियोज़ हैं आपको एग्रीकल्चर वाले वो देखने हैं, ताकि आपका जो भी स्कीम्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर डेयरी एंड फार्मिंग से रिलेटेड वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब आ जाती है बात कि ये तो बेसिक हो गया ई नाम के बारे में, अब हमें न्यू फीचर्स जो आए हैं उसको एक बारी देखना पड़ेगा। तो जो न्यू फीचर्स हमारी सरकार के द्वारा ई नाम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है, वह बेसिकली यह है कि जो भी यहाँ पे स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स होंगे, वह अब चाहें तो अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस जो है वह सेलेक्टेड रजिस्टर्ड वेयर हाउस से डायरेक्टली अपना बेच सकते हैं। ठीक है, सीधा वेयर हाउस से वो बेच सकते हैं, उनको मंडी तक ले जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये बोल दी है इन्होंने। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं ये कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के सीरीज़ में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बारे में। अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चाहें तो वो अपना पिक्चर्स जो है प्रोड्यूस का वो अपलोड कर सकते हैं, साथ के साथ क्वालिटी पैरामीटर्स भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यह मेंशन करने के बाद जो भी यहाँ पे डिस्टेंट बिडर्स हैं, जो कि दूसरे यहाँ पे स्टेट्स में लाई करेंगे, वो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे और देखने के बाद वो डायरेक्ट बिडिंग कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे बिडिंग करने का फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पे अपने प्रेमाइस से ही वो उसको बेचने का काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सक्सेसफुल बिडिंग हो जाता है तो अपने प्रेमाइस से ही उसको बेच देंगे, पहली चीज़। और अगर मान लेते हैं वो अगर प्रेमाइस से नहीं बेच रहे हैं तो अपने प्रेमाइस से वो मंडी तक ले जाएंगे सामान को, और फिर वहाँ पे जाकर जो भी यहाँ पे बिडर्स होंगे उनको बेच सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे FPO के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि जो भी प्रोड्यूस है उसको या तो अपने प्रेमाइस से वो भेज सकते हैं, ठीक है, बिडर्स को, या फिर वो मंडी तक पहुँचाएंगे सामान को, जो भी वहाँ पे जितना सामान लेके जाना है, और फिर वहाँ पे उसको बिडर को दे देंगे। तो ये एक तरीका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है।
और ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखकर ही यह स्टेप लिया गया है, जिससे यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि ट्रैवल का अगर देखिएगा तो काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन लगा था और लॉकडाउन का इम्पैक्ट जो है फार्मर्स के ऊपर में और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है, तो वह क्या है, तो इस प्रोविजन में यहाँ पे बोला गया है कि लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के साथ भी यहाँ पे लिंकिंग किया जाएगा, जो भी यहाँ पे लार्ज लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स हैं। तो लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स आखिर होते क्या है, तो जो कि सामान पहुँचाने का प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, उसी को लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फार्मर्स को और बिडर्स को यहाँ पे एक चॉइस मिल जाएगा, जिससे वो अपने हिसाब से लॉजिस्टिक एग्रीगेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो वही है कि उनके द्वारा जो भी कोटेशन होगा, जो भी प्राइस कोट किया जाएगा, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स बेसिकली क्या करेंगे, तो ट्रेडर्स यहाँ पे नेविगेट कर सकेंगे जो भी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है उनके वेबसाइट पे, और साथ के साथ उनका जो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट सर्विसेज है जो उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसको वह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल गया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ई नामे के अंतर्गत जो भी यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे नए वाले इंप्लीमेंट किए गए हैं इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं जब मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस करवा रहा था तब, तो वहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है किसान रथ मोबाइल ऐप। अब किसान रथ मोबाइल ऐप के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मैं भूल जाता हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो किसान रथ मोबाइल ऐप के ऊपर में काफ़ी डिटेल डिस्कशन है, यहाँ पे सिर्फ दो लाइन इन्होंने मेंशन किया है, तो चलिए इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि यह जो मोबाइल ऐप है यह बेसिकली फार्मर्स और ट्रेडर्स को राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, ठीक है। जिससे यह जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है से बेनिफिट क्या होगा, तो जो भी फार्मर प्रोड्यूस है उसको एक तरीके से इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उसका इजी मूवमेंट किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड। तो इसका मेन फोकस यही था, किसान रथ मोबाइल ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया था। अब यहां पे जो भी फार्म प्रोड्यूस है वो कौन से हो सकते हैं, तो फूड ग्रेन्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। तो लॉकडाउन के पीरियड में यहां पे इस मोबाइल ऐप को इसीलिए लॉन्च किया गया था, जिससे फार्मर ट्रेडर्स जो है वह मतलब राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। अब यह जो मोबाइल ऐप है इसको बनाने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो यह है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज NIC। अब NIC कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखिएगा किसान रथ मोबाइल ऐप वाला वीडियो, सॉरी, तो उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में यह बताया हुआ है। इसके बाद आता है किसान रेल स्कीम, ठीक है। तो ऊपर किसान रथ मोबाइल ऐप था, इसी से एक तरीके से मिलता जुलता नाम है किसान रेल स्कीम। तो सेंटर ने एक यहाँ पे पैनल फॉर्म किया है, ठीक है, और यह पैनल फॉर्म किया है बेसिकली किसान रेल स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को ऊपर में निगरानी करने के लिए और उसके ऊपर ध्यान में रखने के लिए। अब किसान रेल जो है इसको प्रपोज किया गया था यूनियन बजट 2021 में, और इसका काम क्या था, तो बेसिकली यह एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने की बात कही जा रही थी, जिससे जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन सीमलेस वे में किया जा सके। तो वो कैसे होगा, तो यही है कि यहाँ पे बेसिकली रेफ्रिजरेटेड कोचेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एक्सप्रेस एंड फ्राइट ट्रेन्स में, और इसी रेफ्रिजरेटेड कोचेज में यहाँ पे जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे मिल्क, मीट या फिश हो गया, इसको यहाँ पे रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा पाएगा, ठीक है। तो किसान रेल स्कीम के अंतर्गत यही चीज़ यूनियन बजट 2021 में मेंशन किया गया हुआ था। अब जब मैं आपको बजट कराऊंगा तो सिर्फ मैं आपको मेंशन दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे प्लान किया था कि वह किसान रेल को PPP अरेंजमेंट के थ्रू, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, ठीक है, और यह प्लानिंग बनाया था इंडियन रेलवेज ने। अब इसी स्कीम को ध्यान में रखते हुए कुछ एक यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो कहाँ पे किए गए सेटअप, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पे किसान विजन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया, और यहाँ पे वही है कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाए जाने की बात कही जानी थी, ठीक है, यह जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में। तो इसका फ़ायदा क्या होता, तो ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटेड कोचेस यहाँ पे पेरिशेबल आइटम जो है इन सारे टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर इसको स्टोर किया जा सकता था, फिर वहाँ से अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। तो ये हो गया किसान रेल स्कीम के बारे में, और बजट के टाइम पे जब बजट में आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिटेल इसके बारे में दे दूंगा, पर घुमा चुमा के देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो चार पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये मेरे ख्याल से आपके लिए प्रीलिम्स के लिए मोर देन एनफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट, जो आखिरी टॉपिक हमें देखना है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के अंतर्गत, तो वो है ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है, इसको OMSS बोला जाता है, और ये भी मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस में कराया हुआ है। तो कोविड-19 आउटब्रेक के कारण यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को कुछ एक नए डिसीजंस लेने
देने पर है। और यहाँ पे इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, दैट इज़ FCI को, कि वह यहाँ पे वीट और राइस जो है वह NGOs को और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करे एट ओपन मार्केट सेल स्कीम रेट्स। ठीक है, तो इस स्कीम के रेट के बेसिस पे यहाँ पे NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को वीट और राइस प्रोवाइड करने की बात कही जा रही थी। और यहाँ पे बोला गया कि जो भी इसके पहले जो भी तरीका होता था वो बेसिकली ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू होता था, तो इसको अवॉइड करने की बात कही गई भी है। ठीक है, दैट इज़ विदाउट गोइंग थ्रू द ई ऑक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने FCI को डायरेक्शन दिया हुआ है वीट और राइस को NGOs को प्रोवाइड करना है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करना है OMSS रेट्स के ऊपर में। तो अब हमें यहाँ पे ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो OMSS बेसिकली रेफर करता है सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट फूड, सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा प्रोक्योर करके रखी हुई होती है। और यहाँ पे पहले से एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है जिस प्राइस पे जो है इसको गवर्नमेंट के द्वारा इन फूड ग्रेन्स को सेल किया जाता है इन ओपन मार्केट। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम सेल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल केस है अभी सेल किया जा रहा है, ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा सेल किया जाता है। और स्पेशली तब किया जाता है जब ये बहुत ज़्यादा लीन सीजन हो। लीन सीजन में क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा रहता है, तो उस केस में यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर जाए। तो यह प्राइस को कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ ग्रेन्स बेसिकली एनहांस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और यह जो तरीका होता है यह बेसिकली ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और आगे यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि बेसिकली जो भी डेफिसिट रीजन है जहाँ पे सामान जो है या फिर जो भी फूड ग्रेन्स है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो जनरल ओपन मार्केट प्राइसेस है उसको मॉडरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे FCI जो है, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा वीकली ऑक्शन जो है ये कंडक्ट किया जाता है, जिससे वह इस स्कीम के अंतर्गत ओपन मार्केट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स है उसको बेचते हैं। ठीक है, और बेचने का यहाँ पे जो तरीका होता है ओपन मार्केट में, वह बेसिकली एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं कॉमोडिटी एक्सचेंज का। और यह प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX बोला जाता है, इसी को इस्तेमाल करके यहाँ पे ओपन मार्केट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे बेचा जाता है फूड ग्रेन्स को। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे यह कॉमोडिटी एक्सचेंज जो है इन्वॉल्व है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके पहले क्या होता था, तो इसके पहले बेसिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करता था कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई रजिस्टर्ड बल्क यूज़र जो है, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल फ्लोर मिल्स जो है, उनको यहाँ पे अलाउ होता था कि वही सिर्फ यहाँ पे FCI से OMSS रेट्स पर यहाँ पे सामान जो है वो खरीद सकते थे, फूड स्टॉक्स को खरीद सकते थे। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड बल्क यूजर्स ही खरीद सकते थे, पर गवर्नमेंट ने COVID-19 आउटब्रेक के अमिड में यहाँ पे इन्होंने NGOs को और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी यह परमिशन दे दी है। तो यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यही हो गया, पहले जो होता था ये आपको ध्यान में रखना है और बाद में जो होता था वो यह ध्यान में आपको रखना है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो फिर मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज़ देखी है तो आपको वहाँ पे फूड कॉरपोरेशन के ऑफ इंडिया के बारे में सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वो वीडियो को देखिएगा, वहाँ इतना सारा ऐड ऑन किया हुआ है कि आपको ये सारी चीज़ें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जैसा मैंने आपको बोला था कि एक ही वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो शायद वही है टॉपिक, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टिप्स फॉर UPSC हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ ये मेरा पर्सनल चैनल है आशीष अमन ऑफिशियल, कॉरिडोर का ही पार्ट है, यहाँ पे आपको मेरे सारे जो भी वीडियोस हैं उसका लिंक मिल जाएगा और PDFs वगैरह भी यहाँ पे शेयर होते रहते हैं और प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे टिडबिट्स भी शेयर होते हैं। ठीक है, इसी की तरह यहाँ पे अभिनव सर का भी एक ऑफिशियल जो ये है टेलीग्राम चैनल है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस।